हेलो गाइस, मेरा नाम है अनिल और आप देख रहे हैं डार्क लाइट गेमिंग वाइट। और वापस से आ चुका हूँ मैं एक और नए गेम प्ले के साथ। आज अपन के साथ इस गेम प्ले के अंदर है डियाब्लो फियर फिस्ट या फायर फिस्ट, जैसे भी तुम इसको बोलते हो उस हिसाब से। इससे मैं जो ना बार बार मिलता रहता और मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा इसी का फायर गार्ड लगता है। बहुत अच्छा खेलता है फायर गार्ड के साथ। इससे ज़्यादा अच्छा मैंने तो अभी तक नहीं देखा किसी का फायर गार्ड इतना बेस्ट खेलता है। नहीं, फायर गार्ड के साथ बिल्कुल भी पैसिव नहीं है। कभी कभी ऑफकोर्स थोड़ा बहुत हो जाता है, वो चलता है। मतलब फायर गार्ड के पास ज़्यादा अटैक्स फास्ट वाले हैं नहीं, तो इतना ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आती है उसके साथ। ओके, यहाँ पे मेरा प्रोटेक्शन था इसलिए मैं बच गया और उसको लग गया एक भयंकर सा हैवी। वहाँ पे उसको लात मारना चाहिए था लेकिन उसने किया नहीं। वैसे एक इंपॉर्टेंट बात करनी थी मेरे को। इस टाइम पे इलेक्शन आ रहे हैं ना, और इलेक्शंस में तुम सभी लोग तो जानते ही होगे कितना ज़्यादा क्रेज़ रहता है। मतलब सभी लोग कुछ ना कुछ तो सुन ही लेते। जिनको नहीं पता पॉलिटिक्स के बारे में कुछ भी, वही बहुत सारी जगह से बहुत सारी चीज़ें सुन लेते हैं। बस मैं दो ही चीज़ें बोलूँगा कि जो तुम ऊपर का चुन रहे हो ना, जो भी तुम सबसे सुप्रीम लीडर चुन रहे हो, उससे ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ता नहीं तुम्हारी ज़िंदगी के ऊपर। तुम्हारी ज़िंदगी का फ़र्क जो है ना, जो भी पड़ता है वो तुम्हारे पार्षद के ऊपर पड़ता है, जो तुम्हारे घर के पास वाले होते हैं, जो तुम्हारे घर के पास में खड़े हो रहे हैं, ठीक है ना, लोग उनके ऊपर पड़ता है। तुम हमेशा ही उन्हीं लोगों को चुना करो जो सच में अच्छा काम करे और केवल पैसा ना भरे अपने जेब में, ठीक है। ये देख के करना जो भी करना। और सबसे मेन, किसी की जाति वगैरह देख के वोट प्लीज़ मत देना, बर्बाद हो जाओगे और देश ही बर्बाद कर दोगे अगर इस तरह से अगर करते रहोगे तो। एक टाइम आना चाहिए और अभी वो बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट टाइम है जब अपन लोग जाति वगैरह छोड़ के जो है ना आगे बढ़े और थोड़ा सा मतलब ऐसे लोगों को खड़ा करें जो सच में काम करना चाहते हैं। ओके, तो तुम लोग याद रखना ये वाली चीज़ कि तुमको फ़र्क पड़ता है पार्षद से, और तुम लोग हमेशा ही अच्छे पार्षद को वोट देना जो सही में काम करना चाहे। और इस वाले इलेक्शन में भी एकदम सोच समझ के वोट देना कि किसको दे रहे हो, और मेरे कमेंट बॉक्स में बताने की ज़रूरत नहीं किसको दे रहे हो, ठीक है, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इलीगल भी है ये एक तरीके से, मत बताना और करना भी नहीं किसी को भी कि किसको सपोर्ट कर रहा हूं। मैंने पूछा भी नहीं और तुमको बताना भी नहीं। ओके, हाँ, तो यहाँ पे पढ़ लूँगा, अब गेम प्ले के बारे में बात करेंगे। ओके, यहाँ पे इसकी कीबो, इसने इतना ज़्यादा मेरे को मारा है ना यार, हालत ख़राब हो गई इसकी कीबो के साथ खेल के मेरी। मतलब ऐसा मैंने किसी की कीबो से मार नहीं खाया। हाँ, ऑफ कोर्स एक बार अपन का क्या नाम है, मास्टर बैंग है, इसकी कीबो से मार खाया था। मैं उसको ऑलमोस्ट हराने वाला था और थोड़ी सी हेल्थ बस बची थी उसके पास, उसकी कीबो के पास, लेकिन वहाँ से उसने जो तो स्पैम मारा भाई, एकदम कैलकुलेटिव स्पैम किया उसने और बहुत ज़्यादा अच्छा खेला। अच्छा मतलब भाई उसके हिसाब से जो अच्छा है स्पैम वाला गेम प्ले। और उसने इतना स्पैम किया ना कि मेरी पूरी की पूरी कैरेक्टर ख़त्म कर दी, और उसी भी मारा उसने एट लास्ट, सच बताऊँ तो, अपनी कीबो से, वो भी आधी हेल्थ की कीबो से। और वैसे एक और चीज़ बताना था, इस टाइम पे मैं जो ना अजुमा के साथ खेल रहा हूँ, और आज मैं यार क्या खेला हूँ, क्या हारा हूँ मैं, लेकिन फिर भी मैंने ऑलमोस्ट आज 300 ट्रॉफीज़ गेन की है, आज केवल आज के आज अपने अजुमा के साथ। मतलब मैं थोड़ा सा बेटर हुआ हूँ पहले से। और पता है आज मेरे को एक बहुत ही अच्छा प्लेयर है, वॉरलॉक्स एल्बत्रॉस ऐसे करके उसका कुछ नाम है, वो अपने लेवल 10 के एम्परर के साथ उसने मेरे को हरा दिया यार। उसने काफ़ी ज़्यादा अच्छा खेला, मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद आया। ऑफ कोर्स मेरे पास प्रैक्टिस नहीं है अजुमा के साथ, लेकिन फिर भी उसने लेवल 10 वाले से हराया। मतलब क्या तो स्किल्स होगी ना उसके पास तभी तो, और वैसे स्किल्स इसके पास ही बहुत अच्छी है। बहुत तगड़ा मार रहा है यहाँ पे मेरे को। हाँ, वो जो है अल्बत्रॉस है, थोड़ा सा मतलब टॉक्सिक रहता है ऐसा लोग कहते हैं, क्योंकि मैंने 2-3 वीडियोस उसके ऊपर देख लिए जल्दी जल्दी से, लेकिन मेरे साथ बहुत ही ज़्यादा कूल था और बहुत ही प्यार से बात किया, तो मुझे ही बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। उसका खेलने का तरीका भी मुझे काफ़ी ज़्यादा ठीक लगा, बिल्कुल भी पैसिव नहीं था मेरे अगेंस्ट। मतलब ऑफकोर्स जितना मैंने खेला उस हिसाब से तो बिल्कुल भी नहीं था। अगर किसी के खिलाफ हुआ हो तो मैं कुछ कह नहीं सकता, मैं अपनी बस बात कर रहा हूँ। मेरे अगेंस्ट अच्छा खेला उसने काफ़ी, और मैं खुश हूँ उसके साथ, और मुझे अच्छा लगा और बहुत ही स्किल्ड लगा। मेरे को पेल दिया भाई उसने और भयंकर मारा है। मतलब पहला राउंड तो मैं आसानी से जीत गया, लेकिन फिर बाद में जो तो इसने रिकवरी की है वो अपने लेवल 10 के साथ, वो बहुत अच्छी थी। ओके, यहाँ पे इसने मेरे को लोअर मारा और बहुत ही कम हेल्थ बची है। मेरे को अपना शेडो किसी तरीके से गेन करना पड़ेगा, तब मैं शायद तक कुछ कर सकता हूँ। गेन हो गई और यहाँ पर लग गया उसको मेरा शेडो अटैक। ओके, यहाँ पर क्या मैं एक हैवी, हाँ मार दिया मैंने उसको। क्या एक कम बैक यहाँ से हो सकता है क्या? चांसेस कम थे और अब ना के बराबर है, ख़त्म हो गया मेरा मार्कस। वेल प्लेड, मैंने बोला, मैंने इससे रीमैच के लिए पूछा लेकिन इसने रीमैच के लिए मना कर दिया। लेकिन किस्मत अच्छी, कुछ टाइम के बाद ही वापस से मेरे को मिल गया, यहाँ पे इसने मना कर दिया। और इसकी कोई गलती नहीं, ये हमेशा ही मना कर देता है, जब जीतता या जब हारता हमेशा ही मना कर देता, कभी नहीं करता ये रीमैच के लिए। और यहाँ पे वापस से मेरे कुछ दिन के बाद मिला ये, और इस बार भी इसके पास फायर गार्ड है।
ओके देखते हैं क्या अपन कुछ कर सकते हैं या नहीं। वैसे इसका फायर गार्ड बहुत अच्छा है, मैंने पहले ही बताया तुमको, लेकिन मैं मार्कस उससे ज़्यादा अच्छा है, मुझे ऐसा लगता है। ओके चलो देखते हैं। यहाँ पे वो लात का बहुत ही अच्छा यूज़ कर रहा है, उसका टच सैम्पलिंग रेट बड़ा अच्छा है यार उसके फ़ोन का, इतनी ईजिली इतनी जल्दी जल्दी अटैक कर सकता है जबकि मैं नहीं कर सकता ये चीज़। ये सभी चीज़ें जब देख लेता हूँ तब मेरे को यकीन हो जाता है कि एक अच्छा डिवाइस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर एक टॉप लेवल पे तुमको जाना है तो। एक अच्छा डिवाइस तुमको अच्छा टच सैम्पलिंग रेट देगा और अपना एक FPS काफ़ी अच्छा देगा वो तुमको, तो इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। यहाँ पे देखो इसने कितना स्मार्टली काम किया, मेरे पास आने की कोशिश नहीं किया, उसको पता था कि मेरा शेडो फुल है, अगर रोल इन करेगा तो फिर मैं अपना शेडो मार दूंगा और ख़तरनाक डैमेज पड़ जाएगा उसको। ओके यहाँ पे उसने फायर मार दिया है मेरे को, क्या अपन यहाँ से कुछ कर सकते हैं, देखते हैं। चलो यहाँ पे अभी मेरे पास काफ़ी कम हेल्थ है। ओके मैं उसके शेडो से बच गया और यहाँ पे हैवी भी पड़ गया उसको। वैसे अगर किसी को मेरा डिस्कॉर्ड ज्वाइन करना तो ज्वाइन कर सकता है, ठीक है, अगर मन हो तो, अगर इच्छा हो तो, ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में होगी लिंक अगर करना हो तो, ठीक है। इस बार भूलूंगा नहीं, कल भूल गया था मैं, आज नहीं भूलूंगा। यहाँ पे उसकी कीबो आ चुकी है, वैसे पता है कल मैं ज़्यादा सोया नहीं हूँ रात में, इसलिए अभी थोड़ी सी मेरी आवाज़ इधर उधर लग सकती है तुम लोगों को, लेकिन हाँ थोड़े टाइम में सही हो जाएगा। कल बहुत कोशिश किया सोने की लेकिन नींद ही नहीं आ पा रही थी, फिर बाद में जल्दी भी उठना रहता है मेरे को, मैं जल्दी उठ गया तो फिर दिक्कत हुई मेरे को आगे चल के कि यार थोड़ा सा अगर मैं टाइम ले लेता, अच्छे से सो लेता तो आज मेरी ये हालत नहीं होती। अभी मैं नींद के नशे में हूँ, पता है आज कोई टूथपेस्ट वगैरह नहीं मारा मैंने, केवल नींद है मेरे को और कुछ भी नहीं। यहाँ पे उसकी कीबो का स्पेशल लगा, काफ़ी तगड़ा डैमेज है, लेकिन मैंने काफ़ी सारा हेल्थ उसका ले गया है पहले से ही। क्या मैं अपना एक और बार शेडो फुल कर सकता हूँ, देखते हैं, अगर शेडो फुल कर पाया तो अच्छा खासा डैमेज दे सकता हूँ। हाँ फुल हो गया और यहाँ पे उसकी कीबो ख़त्म हो जाएगी। ओके मेरे मार्कस ने काफ़ी नीचे से एक अच्छा कमबैक किया है, यही तो चाहिए है मेरे मार्कस से, मेरे को ऐसा ही तो खेलना है भाई। ओके यहाँ पे अब आ चुका है उसका आयरन क्लैड, मैंने बुलवॉक नहीं बोला इस बार, हमेशा मतलब गलतियाँ नहीं करता मैं, कभी कभी हो जाती है थोड़ी बहुत, उतना तुम लोग नज़रअंदाज कर ही सकते हो। यहाँ पे मेरा स्पिनिंग लग गया उसको, ब्लॉक ब्रेकर भी मिला मुझे, ठीक है, क्या अपन कुछ कर सकते हैं, हैवी लगा मार्कस के साथ, अब मैं मार सकता हूँ क्या इसको। यहाँ पे काफ़ी कम है, देखो FPS यहाँ पे ड्रॉप हो गया मेरा, वरना फिर मैं अभी ग्रैब नहीं होता एटलीस्ट, कुछ ना कुछ तो मार ही देता, लेकिन क्या बताऊँ ये FPS ड्रॉप वगैरह जो है ना दिक्कत कर देते हैं। मैं थोड़ा सा अगर मतलब एक दो अटैक और कर देता उसको तो मेरा शेडो फुल हो जाता वहाँ पे, भले चाहे वो ब्लॉक भी कर लेता तब भी, अब क्या ही कर सकते हो। गया यहाँ पे मेरा आ चुका है फायर गार्ड, ये मेरा स्पेशल अटैक, ये किक्स मेरे कुछ काम नहीं आ रहे, और अभी थोड़ा सा वो पैसिव है क्योंकि ऑफ कोर्स उसके पास एक लौता कैरेक्टर बचा है, वो सोच समझ के अटैक कर रहा है। यहाँ पे मेरा फायर लगा उसको, अभी फिर से FPS ड्रॉप होगा तुम देखना, हाँ पता चल जाएगा तुमको। यहाँ पे लगा उसको मेरा शेडो अटैक, ओके यहाँ पे स्पेशल अटैक, नहीं हुआ FPS ड्रॉप, मेरे को लगा था कि होगा, चलो ठीक है नहीं हुआ, अच्छी बात ही तो है, मैं दुखी क्यों हो रहा हूँ, मैं जो है अपनी बातें प्रूव करने के चक्कर में कुछ ज़्यादा घुस जाता हूँ बातों के अंदर। ओके यहाँ पे मेरा काउंटडाउन बस स्टार्ट होने ही वाला है, यहाँ पे मेरे को यार हैवी करना चाहिए था, लेकिन ठीक है वो बच गया। यहाँ पे उसका मेरे को शेडो भी लग गया है, क्या अपन उसको मार सकते हैं यहाँ से, उसका बर्जर्क मोड ऑन है, एक अगर आग भी मैंने मार दी ना तो काम हो जाएगा उसका, क्या अपन कुछ कर सकते हैं या नहीं, नहीं कर सकते। यहाँ पे अब मैं ख़त्म हो जा, नहीं नहीं ख़त्म हुआ, अब ख़त्म हो जाऊँगा, लोअर पड़ेगा तो मैं दूर भी भाग जाऊँगा, इसलिए वो मेरे काउंटडाउन से बच गया आखिरी वाले से। ठीक है अभी मेरे पास एक सार्जे है, आराम से अभी भी अपन उसको हरा सकते, कोई दिक्कत नहीं है, रिवेंज फॉर द फॉलन मेरा ऑन ही रहेगा पूरे टाइम, क्योंकि उसके पास जो है हेल्थ गेन करने वाला टैलेंट है नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली यहाँ से मेरे को। ओके यहाँ पे क्रिटिकल लगा मुझे, ठीक है, ये बैक किक भी लगा, क्या अपन कुछ थोड़ा सा अगर हेल्थ वगैरह जो है ना उसको हेल्थ बोल रहा है यार शेडो वगैरह गेन कर ले इजीली तो काम हो जाएगा। और यहाँ पे हाँ यहाँ पे रिवेंज फॉर द फॉलन एक्टिव है और उसका जो आयरन क्लैड है वो यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। यहाँ पे मज़ा आया मेरे को खेल के, इसके साथ बहुत ज़्यादा अच्छा खेला, एक और बार मेरे को मिला था पता है ये, और इस बार थोड़ा सा मेरे साथ ट्रेजेडी हो गई, देखना हाँ तुम समझ जाओगे मैं क्यों ऐसा कह रहा हूँ। यहाँ पे है मेरे पास मेरी हेल्गा, मैं ये वाला मैच आराम से जीत सकता था, ठीक है मैं जीता नहीं हूँ ऑफकोर्स, मैं हार गया हूँ, लेकिन मैं क्यों हारा ये ज़रूर देख लेना, एक कारण है बहुत ही अच्छा कारण है प्यारा सा, और इस वजह से मैं हार गया, वरना फिर मेरे पास बहुत ज़्यादा हैवी चांस था कि मैं ये वाला मैच जीत जाऊँ,
थोड़ी सी दिक्कत, थोड़ा सा गेम प्रॉब्लम कर दिया, इस चक्कर में मैं हार गया। देखते हैं, मेन प्रॉब्लम जो है ना नेटवर्क का हो जाता है मेरे साथ, हमेशा ही होता है कि मैं हर एक सीज़न में इतने सारे जो है ना मैचेस हार जाता हूँ नेटवर्क के चक्कर में, जिसकी कोई गिनती नहीं है। ओके, यहाँ पे मेरे को उसने ग्रैब किया और बहुत ही तगड़ा डैमेज दे रहा है मेरे को बार बार, और उसको डैमेज नहीं पड़ा। मतलब इसने वो जो टाइम मैनिपुलेशन के टाइम पे डैमेज ना पड़ने वाला जो टैलेंट है वो भी ऑन रखा है अपना। ओके, कोई नहीं, यहाँ पे उसने ईजिली मेरे को ग्रैब किया, मैं कर क्या रहा था भाई यहाँ पे, और फिर से टाइम मैनिपुलेशन ऑन हो गया, बच गया मैं। और क्या अपन कुछ कर सकते हैं उसका, क्योंकि डैमेज काफ़ी सारा पड़ रहा है। यहाँ पे मेरे को करना चाहिए था ये अपना क्या कहते हैं इसको शाइनिंग डैश, लेकिन मैंने किया नहीं, मैं गधा हूँ ना इसीलिए। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा अगर लग जाए उसको, और टाइमिंग देखो भाई, मतलब शील्ड बंद होने का क्या गजब टाइम है, और यहाँ पे इसने मेरी हेल्थ को ख़त्म कर दिया। किस्मत ही इतनी ख़राब है ना, ये गेम ही चाहता था कि मैं हार जाऊँ इसी टाइम पे, इसलिए मैं हार गया। इतना गंदा कैसे यार, उसने जैसे मारा वैसे ही मेरा शील्ड ख़त्म हो गया। वाह 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 निकी, अच्छा है, चलो ठीक है। यहाँ पे अब मेरा मार्कस आ चुका है। ओके, यहाँ पे उसको मेरा स्पेशल अटैक लगा, ये मेरा जंप किक, और क्या अपन उसको, हाँ ब्लॉक ब्रेकर भी मिल गया। अगर एक भी डैमेज खाए बिना अगर हरा सकते तो अब तो फिर बेस्ट है, मज़ा आ जाएगा। और यहाँ पे मेरा शेडो कनेक्ट हो चुका है, और ये भी कनेक्ट हो गया। अब एक हैवी के साथ मैं उसको ख़त्म कर दूंगा। हाँ ठीक है, मैं थोड़ा बहुत प्रेडिक्शन मेरा भी सही रहता है, मैंने ये वाला गेम प्ले बार बार देखा नहीं, मैं बता दूँ ऐसे ही प्रेडिक्ट मार दिया था ये वाला, कभी कभी मैं मार देता हूँ। यहाँ पे आ चुका है फायर गार्ड। अगर वैसे फायर गार्ड का एकदम बेहतरीन तरीके से यूज़ करें तो मार्कस कुछ नहीं है फायर गार्ड के अगेंस्ट, मतलब बर्बाद हो जाता है आराम से। लेकिन हाँ, बहुत ही अच्छा खेलना पड़ेगा फायर गार्ड से भी, ऐसे नहीं कर सकते कि एकदम छोड़ ही दो। यहाँ पे लोवर लगा, ठीक है, यहाँ पे शेडो बर्न बस मेरे को ना लग जाए, अगर वो लगेगा तो दिक्कत पड़ जाएगी। लेकिन मेरा भी जो है ना शेडो बार बहुत ही तेज़ी से वो बढ़ रहा है। ओके, वो एक बार भी अभी तक फायर मारा ही नहीं मेरे को, और यहाँ पे मेरा शेडो फुल हो चुका है, बस एक बार उसको मारना है मेरे को। और मैंने सही टाइम पे अपना शेडो ले लिया है, और यहाँ पे काउंट डाउन से भी बच जाऊँगा मैं, और जंप किक मारूँगा। हाँ देखा, फिर से मैंने एकदम बेहतरीन सा अपना प्रेडिक्शन कर लिया, मेरे को जादूगर बन जाना चाहिए, मैं गलत फील्ड में आ गया हूँ। और यहाँ पे फिर से मैं शेडो से बच गया, ठीक है, और 1019 का डैमेज। यहाँ पे किक करता वो तो ज़्यादा अच्छा होता, लेकिन उसने किया नहीं, मेरे लिए ज़्यादा अच्छा हो गया। और क्रिटिकल अटैक, और यहाँ पे मेरे को लोवर करना चाहिए था, मैं क्या किया, और उसने देखे कितने स्मार्टली काम किया, मेरे को आग से पहले मारा और उसके बाद काउंटडाउन फूटा, तो मेरे को भयंकर डैमेज पड़ गया यहाँ पे। और इसी मोमेंट पे मैं ये वाला मैच हार गया, मेरा नेटवर्क चला गया था, इस वजह से मेरे को टेक्निकल डिफीट मिल गया। ठीक है, कोई बात नहीं, वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट।